Okay, good afternoon class, for the sake of video once again. So I was saying that in the law paper 60 marks of question, like you know 60 marks you have to attempt, and in this 60 marks 30 marks will be direct questions and 30 marks will comprise indirect questions. Now what do I mean by indirect questions? Case study based questions. Wo log tumko ek example bana ke de dega, bolega A ne B ke sath contract mein enter kiya, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है बताओ, सरकमस्टेंसेस को देखते हुए. सरकमस्टेंसेस वो लोग दे देगा. तुमको कानून को अप्लाई करके, कानून को समझ के अप्लाई करके अपना दिमाग को आंसर देना है वेदर इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन. नाउ यू गेट इट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फील ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इवन बिफोर वी हैव स्टार्टेड. दैट्स द बेस्ट पार्ट. And direct questions will be, they will ask you define contract. Are you getting me? So direct questions are questions which you have already tackled throughout your life. Ain't it so? In theory papers till plus two level direct questions to aate hi rehta tha. But direct question mein bhi yahan pe samajh bahut important hai. Aur dusra cheez hai, indirect question mein to pura hi samajh hai. Haan hai na? Isiliye main bol raha tha थ्योरी सब्जेक्ट का ट्यूशन और थ्योरी सब्जेक्ट पूरा अलग है यहाँ पे इस लेवल में आके प्रोफेशनल कोर्सेज में, खास करके पेपर लाइक लॉ एंड ऑडिट. ओके, सो दैट वॉज माई डे वन एक्सपोजर टू यू ऑन थ्योरी सब्जेक्ट. देन ऑन डे वन आई डिड टेल यू वॉट आर द एक्ट्स विच आर देयर इन 60 मार्क्स ऑफ लॉ. फाइव एक्ट्स आर देयर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. देन we have two more acts, LLP Act and Companies Act. And I told you all these five acts comprise 60 marks. In mein se Contract Act and Companies Act to aage, yani ki CA inter mein bhi rehne wala hai. And not only that, in CA final also you'll have Companies Act. Okay, so the idea is these are some of the very basic elementary level acts or law which you need to know in order to, you know, be a CA. That's why at foundation level syllabus you have all these acts. Okay, then next, what next? I did start with the basic concepts of law in the last class. I did tell you how law is made or enacted in a country. I told you India is a democratic nation, it's a democratic republic, and being a democratic nation, Loktantra इस देश में चलता है, इस वजह से वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स. अभी इलेक्शन होने वाला है, हो रहा है इनफैक्ट, बेंगलोर में स्टार्टेड. ओके, सो इलेक्शंस का सीजन में, इलेक्शन लेके बात कर रहा हूं तो और समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जो इलेक्शन है इसको बोला जाता है लोकसभा चुनाव. लोकसभा में मैं लास्ट क्लास बोल रहा था जितना सीट्स है उतना एमपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम लोग चुनेंगे, एंड उस हिसाब से मेजॉरिटी जिसका रहेगा सीट्स वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगा. नेक्स्ट फाइव इयर्स वो लोग रूल करेंगे. हाँ है ना, यही तो है. और सर, और इसके साथ साथ आप क्या बोले थे? मैं बोला था कि देखो डेमोक्रेटिक नेशन है बट गवर्नमेंट का इसीलिए तीन विंग्स है और तीनों विंग्स इंडिपेंडेंट है, जाके कोई किसी को इन्फ्लुएंस ना कर पाए और देयर शैल बी नो बायस. ओके, एंड द थ्री विंग्स, इंडिपेंडेंट विंग्स ऑफ गवर्नमेंट आर, नंबर वन द लॉ मेकिंग विंग विच इज नोन एज द लेजिस्लेटिव विंग विच इज नोन एज द पार्लियामेंट. एट इंडियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट लेवल हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट. अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग विंग को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली. पार्लियामेंट का मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए. अब समझ में आया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. दोनों को टर्मिनस है, सेम लेवल में है, एक स्टेट में एक सेंटर में. सर एमएलए का इलेक्शंस क्या इस बार हो रहा है? नहीं, वो तो स्टेट का हर 5 साल में होता है. वो 2021 में होगा नेक्स्ट. लास्ट हुआ था 5 साल पहले 2016. हाँ है ना, तो दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, नाउ सर लेजिस्लेटिव विंग इज नोन एज पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेंटर और स्टेट. यस, द सेकेंड विंग ऑफ द गवर्नमेंट इज द मिनिस्ट्री विच इज द एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिंग विंग ऑफ द गवर्नमेंट.
I told you, administrative wing का काम होता है जो कानून बन गया उसका ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं वो देखना. जो कानून बन गया उसका ठीक से पालन हो रहा है या नहीं देखना, यही काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव विंग का. तो एग्जीक्यूटिव विंग में कौन कौन है सर? मिनिस्ट्रीज है. मैं बोला इंडिया में 50 से 60 मिनिस्ट्रीज है. हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना कानून का पालन हो रहा है कि नहीं देख रहे. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ मिनिस्ट्री बाय द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA. वी कॉल इट इन शॉर्ट MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जो मंत्रालय है इसका काम क्या है? कंपनीज एक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट और LLP एक्ट, ये दोनों कानून का देखभाल या पालन हो रहा है कि नहीं कौन देखता है? MCA. फिनेंस मिनिस्ट्री, लास्ट क्लास आई टॉक्ड अबाउट. डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ऑल दीज आर यू नो वन अमॉन्ग द यू नो 50-60 मिनिस्ट्रीज विच आर देयर इन द नेशन टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द कानून. क्लियर है? अच्छा, पार्लियामेंट एक्ट बनाता है. देश का कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट. और मिनिस्ट्री क्या बनाता है? रूल्स, नियम. ये कानून को मानने के लिए जो नियम है वो मिनिस्ट्री बनाता है. लास्ट क्लास में ये भी बोला था, रूल्स एंड एक्ट्स, रूल्स आर मेड बाय मिनिस्ट्री एंड एक्ट इज मेड बाय पार्लियामेंट. हाउ इज एन एक्ट मेड बाय अ पार्लियामेंट? बाय पासिंग द बिल बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. एक बिल पेश होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा. फिर वो बिल अगर पास हो गया, वो बिल जाता है राज्यसभा. फिर राज्यसभा में भी वो बिल अगर पास हो जाता है, वो जाता है राष्ट्रपति भवन, और वो बिल बन जाता है कानून या एक्ट. और ऐसे ही पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, देश का कानून तय हो जाता है. और इस कानून को फोर्स में लाने के लिए इस कानून को क्या किया जाता है? नोटिफाई किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में. ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन नोटिफाई हो जाता है, उस दिन से यह कानून फोर्स में आ जाता है. हाँ ना, द कानून कम्स टू फोर्स on or after the date on which it is on the date on which it is notified in the official gazette. Official gazette ka hindi bhi main bola tha, bharat ka rajpatra. Yaad hai? Comfortable lag raha hai? Okay, now what else did you say sir? I also mentioned that rules kyu banaya jata hai. Acha bolo na, income tax act bolke ek act hai जो तुम लोग का, मैं बोला था ना सीए में टैक्स भी एक स्पेशलाइजेशन है. टैक्स एंड ऑडिट, यही सब तो करता है सीए. तो टैक्स तुम लोग का इंटर लेवल और फाइनल लेवल में रहेगा एज अ सब्जेक्ट, बीकॉम में भी रहेगा. सो टैक्सेशन में तुम लोग पढ़ने वाले हो इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच वी पे टू द गवर्नमेंट. एंड इनकम टैक्स का कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961. That will be studied by you in your tax paper. This is another importance of law. Law ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि tax पढ़ना भी आसान हो जाएगा तब, क्योंकि कानून का basic structure तुमको पता है, वो भी तो कानूनी है. तो income tax act में ये नहीं लिखा है कौन सा दिन तुमको return भरना है. हर साल तुम लोग सुनते हो ना return filing date आगे पीछे होते रहते हैं. तो ये क्या है, act का part है या rules का? Rules. रूल्स बनाने के लिए इतना झमेला नहीं है. रूल्स मिनिस्ट्री खुद बना लेता है सुविधा के लिए. तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर ही CBDT बोल के एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो नोटिफाई करता है देशवासियों को रूल्स के बारे में इनकम टैक्स का. तो ये है नियम कानून. सो नियम हो गया रूल्स, कानून हो गया एक्ट, दोनों मिलकर हम लोग कानून पढ़ते हैं. और मैं बोला था थर्ड विंग, करेक्ट. द थर्ड विंग ऑफ द गवर्नमेंट इज द जुडिशियल विंग और द जुडिशियरी, जो देखता है कि कानून का इंटरप्रिटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हो या सिविलियंस हो या आम आदमी हो, ठीक से इंटरप्रेट कर रहे कि नहीं. इंटरप्रिटेशन में अगर दुविधा हो तो हम लोग ये क्वेश्चन किसको रेस करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ठीक है या नहीं? जुडिशियरी को. और जुडिशियरी तीन लेवल में है. डिस्ट्रिक्ट लेवल का जुडिशियरी को हम लोग बोलते हैं DC. DC इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अबव अ डिस्ट्रिक्ट इज अ स्टेट. सो इन द एंटायर स्टेट देयर इज ऑलवेज अ हाई कोर्ट इन द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट एंड इन द एंटायर नेशन वी हैव अ सर्वोत्तम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट. ओके, एंड बियॉन्ड दैट देयर इज नो अदर हायर अथॉरिटी. दैट्स द अल्टीमेट लेवल.
तो मैं ये भी बोला था डीसी में आप हार गए तो एचसी में जाएंगे, एचसी में हार गए तो एससी में जाएंगे, एससी में हार गए तो घर घर जाएंगे, ठीक है? ओके, सो आफ्टर दैट वी I did start with Indian Contract Act in the last class. A very little portion I explained to you. I will recap that also so that all of you, you know, recap easily and quickly connect. Okay. So I did mention that Indian Contract Act ka applicability ya extent. I told the geographical extent of Indian Contract Act is the whole of India except the state of Jammu and. And why so I did tell you, Jammu and Kashmir has its own canon in regard to contract. They have J&K Contract Act. So when there is already a canon, why shall they follow two canon? ठीक है? तो ये reason था. और ये क्यों हुआ था वो भी मैं समझाया था MOU when J&K got annexed to India. Okay. So this was the first thing. The next thing I did mention, Indian Contract Act का 266 sections है. उसमें 1 से 75 सेक्शन, फर्स्ट 75 सेक्शन आर द जनरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट विच इज देयर इन आर सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन. एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू दैट दिस एक्ट का डेट ऑफ इनएक्टमेंट एंड डेट ऑफ एसेंट. डेट ऑफ इनएक्टमेंट 25 अप्रैल एंड डेट ऑफ एसेंट 1 सितंबर. सर डेट ऑफ एसेंट नहीं, डेट ऑफ फोर्स. डेट ऑफ एसेंट ही डेट ऑफ इनएक्टमेंट हो गया. डेट ऑफ एसेंट या डेट ऑफ एनेक्टमेंट हो गया 25 अप्रैल एंड उसके बाद फोर्स में लाया गया 1 सितंबर 1872. एंड मैं बोला था एक्ट का एक स्ट्रक्चर, कोई भी एक्ट दुनिया में या इंडिया में खास करके उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारा चैप्टर्स रहता है एक्ट के अंदर. देयर आर मेनी चैप्टर्स एंड ईच चैप्टर हैज मेनी सेक्शन एंड ईच सेक्शन हैज मेनी सबसेक्शन. Okay, and at the end of each act, there are schedules. Remember, I gave you the example. Schedule ka exposure aap log ko hai. Company ka balance sheet aur PL ka format mein aap log dikhte ho ya likhte ho Schedule 3 of Companies Act. So Companies Act has total 7 schedules. Out of those 7 schedules, Schedule number 3 talks about the format of a company balance sheet and PL. Now you get it, connecting the dots. Okay, now we will start with our first lecture for the day, and that is the very basic idea of what is a contract. What is a contract? Okay. Okay, tell me. Anyone in this class has a faintest or tiniest or smallest clue of what is a contract? Yes. Agreement between two or more persons. Excellent. Why not? Mutual agreement. The term agreement has been, has been elaborated by adding the words mutual, which is also a good description. Yes. Like a? Okay. Yeah, they are also contract. Yes. So based on specific criteria or conditions as mentioned by him, so like basically contract is like we mentioned mutual agreement between two or more partners, not necessarily two, can be between more partners as well. Right. Based on certain criteria which may or which generally lead to benefit of both the parties. Okay. Okay, technically all of you are correct, yet incorrect. Technically all of you are correct, yet incorrect. I'll give her a chance because she has also raised the hand. Just a moment before I finish. So, the idea is, technically they are all correct. They are all correct till a certain extent. And there's a huge technical difference between what I am about to say or maybe she's about to say. I don't know what she's about to say. Let's hear her. Yeah. Somehow I had that intuition that she knows. Okay,
Anyway, so she said it, enforced by law. Did they mention enforced by law? No. Now, you guys, it doesn't make any difference to you because you guys did not attempt. Now you have heard it. Now you have heard it. You know, but you still do not know till the time I explain to you in my plain example. Okay, real life example. Okay, let's say, I forgot your name. Shreyansh. Shreyansh and Harshit. Okay, Harshit, right? So Shreyansh and Harshit are two friends. They stay in a PG. Let's say, okay, and they have planned that they'll go and play cricket tomorrow morning. Quite common example, happens between friends. Okay, so Harshit went there, reached the ground at around 6 a.m. and it was decided tonight that he will also reach the ground at the same time, which is 6 a.m. 6 a.m. in the morning, Harshit calls Shreyansh and inka phone switched off hai. Aur ye so rahe. Theek hai? 7 baje tak ye call kiya bechara. Aur iska number laga hi nahi. Switched off hai, kaise lagega? Ye utha neend se 9 baje. Iska bhi kya dosh hai? Theek hai? Ab dhyan se suno. Ab dono ke beech agreement hua tha ya nahi hua tha? Bilkul hua tha. अब मेरे को बताओ, हर्षित अकेला ही खुद को खुद बैटिंग की, मतलब खुद बॉल किया और खुद ही, ठीक है, सेल्फ अकेला खेल के आ गया, कैच कैच, ठीक है, और खुद ही नॉक करके आ गया. अब क्या किया, ये आया नहीं, स्ट्रेट पुलिस स्टेशन चला गया, शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन, और जाके इसका बारे में कंप्लेन कर लिया. पुलिस कंप्लेन लेते वक्त बोला कि क्या ग्राउंड में ये कंप्लेन कर रहे हो. तो ये बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मेरे साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने वादा किया था, वादा तोड़ दिया. पुलिस हंसने लगा, नेचुरल. पुलिस क्या किया, हंसने लगा. एंड सेकेंड थिंग पुलिस डिड वॉज took out his phone and said, I want a selfie with you. Unique case. Okay. So, police ne mazak ura diya complaint ka aur bola, ye ekdam invalid hai kyunki aap dono ke beech ye jo tay hua tha, ye kya legally enforceable tha ya nahi tha? Kya agreement mein sign kiye the ek dono? Nahi na. To koi to legal enforceability nahi hai. तो जो एग्रीमेंट्स का लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं. इसीलिए इन तीनों का, इनका इनका और उनका, तीनों ने जो डेफिनेशन रखा, तीनों का डेफिनेशन आसपास था. ये बोला एग्रीमेंट, तो वो बोला म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो ये बोला सेम ही चीज, बोला वो, ये भी बोला सेम ही चीज बोल रहा हूं, ठीक है. बट किसी ने भी लीगली एनफोर्सेबल होने का या ना होने का बात नहीं छेड़ा. इसलिए मैं बोला टेक्निकली करेक्ट भी है, बट टेक्निकली थोड़ा सा अधूरा भी है, इनकम्प्लीट. एंड शी कंप्लीटेड इट बाय सेइंग एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. Only agreements which are enforceable by law will be contracts. There's a difference. मैं बोला था ना कल ही, technical है subject. और देखो हर एक चीज में technicality दिखाई दे रहा है ना. तो हर agreement तो contract नहीं है, but सिर्फ वही agreements contract है जिसको legally आप enforce कर पाओ. Legally binding contracts, legally binding agreements. Okay, let me set one more example. Same cricket. अब लेट्स से ये अकेला प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा क्रिकेटर भी बन गया, हर्षित. अब वहीं पे एक क्रिकेट क्लब का कोच इसको देख लिया और बोला तुम क्लब में आ जाओ. अब क्लब में खेलते खेलते ये बहुत अच्छा खेला, इसके साथ क्लब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. बोला नेक्स्ट सीजन आईपीएल, ठीक है, इसको एकदम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इसको साइन कर लिया. नाउ टेल मी, इसको इसका क्लब बोला कल सुबह 7 बजे आ जाना, और क्लब से इसका पास फोन गया, इसका फोन अब स्विच ऑफ है इसके तरह.
सो रहे। अब बताओ अब क्या क्लब इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा? हाँ, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बिकॉज इसका साथ क्लब का जो एग्रीमेंट है वो लीगली एनफोर्सेबल है या नहीं है? है। अब समझ में आया? वन मोर सेट ऑफ एग्जाम्पल ऑन द सेम लाइन। यू ऑल हैव बीन प्रोमिस्ड नाइस ब्रेकफास्ट और फूड और मील ड्यूरिंग द डे, एनी पार्ट ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बाय योर यू नो मदर और हूएवर टेक्स केयर ऑफ यू। ठीक है, सम डे और द अदर हुआ है, मम्मी ने बोला ब्रेकफास्ट में ये बना के दूंगा कल, फिर तुम सुबह उठे, शी ब्रीच द प्रोमिस somehow due to manifold difficulties and problems she could not deliver what she promised. तुम क्या पुलिस स्टेशन जाते हो? अभी जा रहा हूं, प्रॉमिस। ठीक है, नहीं ना, क्यों? क्योंकि वही चीज होगा जो इन दोनों का अग्रीमेंट में हुआ था, हंसेगा, क्योंकि वो तो लीगली एनफोर्सेबल है ही नहीं। बट इफ यू पे फॉर अ रूम एट अ होटेल वेर देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट and in the morning if they do not serve you breakfast, can you take legal action against them? Absolutely, because you have paid for a complimentary breakfast and it is their legal obligation to serve you so. theek hai, tumne phone pe reception mein phone kiya 9 dabaya aur bola breakfast dijiye, wo bola breakfast kaun sa breakfast, complimentary, tum bole oh complimentary abhi de raha hu, tumko darwaze mein muri ka packet deke chala gaya, so you'll be actually taken back and you can actually take legal action, yes or no? So the idea is there's a difference between a normal agreement and an agreement enforceable by law. Every agreement enforceable by law is a contract, but all contracts are agreements that way, but all agreements are not contracts. So write down what is a contract and write down the answer. Now you know the perfect answer. We need not elaborate so much so that two people or you know what is the examples of contract. Just a simple line will do, will capture the thought. The line is contracts are agreements which are enforceable by law. Contracts are agreements which are enforceable by law. Okay, so what did I write? Legally enforceable agreements. Clear? Is it clear? Absolutely. Okay, now I did tell you बहुत सारा section रहता है act में, कानून में. Section 2 subsection, section 2 of every you know act sets the definition of that act. तो दुनिया में या इंडिया में खास करके जितना भी कानून है, जितना भी एक्ट है, वो एक्ट का कौन सा सेक्शन में डेफिनेशंस मिलेगा आपको? सेक्शन 2 ऑफ सच एक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नो एक्सेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी सेक्शन 2 में ही आपको सारा डेफिनेशंस मिलेगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड और देयर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच। तो सेक्शन 2 एच डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज agreements which are enforceable by law. Okay, so this definition of the contract is given by which section? Section 2H. Clear? Okay, now a common question among students is that sir hum log ko section likhna padega kya? Nahi, agar koi likh le yaad rakh ke to bahut badhiya hai, agar koi na likhe to uska marks nahi deduct hoga. Do not be scared, your marks will not be deducted if you, in case you fail to write the section, because it is not humanly possible for a foundation student to remember all the sections of all the acts which is there in the syllabus. So main bolta hu agar yaad rakh pao to badhiya hai, agar yaad na rakh pao bhi contract ka definition yaad rakho. Baat samjhe na? To yahi kafi hai. डेफिनेशन के ऊपर अगर कोई सेक्शन नंबर भी याद रख पाता है तो बहुत बढ़िया है. क्लास में बोल बोल के ऐसा बहुत सारा सेक्शन क्लास में ही रट जाएगा, जैसे 2H रट जाएगा. तो जो रट जाएगा वो तो तुम लिख लोगे, जो नहीं रटेगा या खुद से याद रखना होगा बाद में, तो उसको ना याद रखने से भी चलेगा, क्योंकि गलत लिखने से ना लिखना इज बेहतर.
Because when you write a wrong thing, it creates a wrong impression in the mind of the examiner. Okay? So that's the idea. Okay. Now, the next concept. The next concept is, now I said, if I put it into equation, what's a contract? कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैथमेटिकली एक इक्वेशन में लिखता हूं, LHS में कॉन्ट्रैक्ट लिखा, RHS में क्या लिखूंगा? एग्रीमेंट्स प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. एग्रीमेंट्स प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. नाउ आई नीड टू डिस्कस टू थिंग्स इन ब्रीफ. वन इज व्हाट इज एग्रीमेंट एंड द नंबर टू इज व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. Now, what is agreement? The second question which arises then is, what is agreement? Okay, anyone? I guess agreement is pretty much what they said, the three of them. They defined agreement because there was no enforceability by law. Mutual consent, mutual agreement, mutual decision. So can I say in plain simple words, if I want to put it, put agreement, then how will it sound? Let us think. एक बार सोचते हैं कैसे agreement सुनाई देगा अगर plain simple words में, शब्दों में इसको कहा जाए. अच्छा, मैं agreement का मतलब क्या होता है? हाँ बोलना या ना बोलना? हाँ, agree करना. तुमने किसी को offer दिया, तुमने किसी को offer दिया कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, वो offer उसने accept कर लिया, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलके एक प्रॉमिस बन गया ना. एंड यही हर प्रॉमिस क्या बन गया? एग्रीमेंट. तो कैन आई से, इसने, मेरा पहला एग्जांपल क्रिकेट खेलने वाला, श्रेयांश और हर्षित के बीच एग्रीमेंट हुआ था ना. हर्षित ने बोला था श्रेयांश को कि क्या कल सुबह 6 बजे मैदान में पहुंचेगा, क्रिकेट खेलना है. तो श्रेयांश ने बोला, हाँ बिल्कुल पहुंच जाऊंगा. मन में उसको पता था वो उठ नहीं पाएगा, फिर भी बोल दिया था. ठीक है, और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करके क्या बना दिया? अग्रीमेंट. दिस वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू ऑफ देम दैट दे विल, दे हैड म्यूचुअली डिसाइडेड टू रीच द ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट. एंड दिस म्यूचुअल यू नो अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट एंड इट्स प्रॉमिस मेड टू ईच अदर. है ना? And the promise is a result of what? An offer made, and the offer accepted or rejected? Accepted. Now you got it. So can I say agreements are promises made? So agreement का formal और technical definition जो act में है, वो definition कुछ ऐसा है, every promise or set of promises made comma which forms consideration for each other. For each other. दो पार्टी जब एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे, एक जन ऑफर किया, एक जन एक्सेप्ट किया, बदले में हर दो जन को एक दूसरे को कुछ देना पड़ेगा. हाँ है ना? सपोज करो लैंड, ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड एक्विजिशन. कोई अगर जमीन खरीदने जा रहे, तो जिससे जमीन खरीदा जाएगा उसके लिए कंसिडरेशन पैसा जो उसको मिलेगा, और जो जमीन खरीदेगा उसके लिए कंसिडरेशन तो जमीन ही है. हाँ है ना? तो हर प्रॉमिस में कंसिडरेशन होगा, और हर दूसरा प्रॉमिस पहला व्यक्ति के लिए क्या होगा? कंसिडरेशन. तुम जो प्रॉमिस कर रहे हो दूसरे के लिए, वो उसके लिए कंसिडरेशन, और वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं तुमको, वो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन. हाँ है ना? तो वही लैंग्वेज को ऐसे लिखा गया है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस मेड टू ईच अदर which forms consideration for each other is an agreement.
And this is the definition of agreement as per Contract Act, so easily explained. And once it's explained, you can easily recall exactly the same way. है ना? और इसका सेक्शन नंबर क्या है? इसका सेक्शन नंबर हो गया सेक्शन 2E. 2H was contract and 2 is agreement. If anyone is wondering why is agreement 2E and why is contract, which should be the first one, 2H alphabetically niche, because contract starts with the alphabet C and agreement starts with the letter A. Not only that, there are other reasons. I'll tell you, let you know. The more you know your classes you spend studying law, the better you become in law. Okay, so the idea is, sir, ye definition section 2E ka hai. Haan, ye definition section 2E ka hai. Okay, so agreement is defined by section 2E, which says that every promise or every set of promises forming consideration for each other. Clear hai? Okay. Sir, then what is promise or an, what is promise, defined promise? Acha, promise kya ho gaya fir? Sochte hai. Can I say, every promise is a result of an offer and acceptance? An offer when accepted. An offer when accepted becomes a promise. Yes or no? Offer ko jab accept kar lete ho, tabhi to promise ho gaya. इसको बोला गया कल सुबह आप खेलने आओगे सुबह 6 बजे, तो ये एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ आऊंगा, तभी तो प्रॉमिस हो गया ना. ही मेड अ प्रॉमिस इन अदर वर्ड्स. सो प्रॉमिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. एक्सट्रीमली इजी. प्रॉमिस क्या हो गया? ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस को जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है? ऑफ प्रॉमिस. ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जोड़ दो तो वो बन जाता है प्रॉमिस. क्लियर है? Is it clear so far? तो बिल्कुल आसान लग रहा है. अब सर ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है, ये थोड़ा बाद में मैं समझाऊंगा, थोड़ा देर बाद मैं समझाऊंगा. अभी तक जो समझ में आया वो मैं बोल दे रहा हूं. अभी अभी तक जो समझ में आया वो यही समझे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. एज पर सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. कानूनी तरीके से जिसको एनफोर्स किया जा सकता है, वैसा अग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. एंड अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर. एंड व्हाट इज अ प्रॉमिस? एवरी ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. सो इसको वर्ड्स में अगर लिखना है, एवरी ऑफर वंस एक्सेप्टेड becomes promise. An offer when accepted becomes a promise. Clear? Is it clear so far so good? All of you, समझ में आ रहा है ना? Okay. अभी हम लोग next जो topic start करेंगे वो बड़ा topic है, और वो समझने से आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं. वो टॉपिक का नाम है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वो समझने से पहले मैं एक बार लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट्स में अग्रीमेंट्स को हम लोग समझे, अग्रीमेंट्स को ड्रिल डाउन करके प्रॉमिस को समझे. बट डिड वी अंडरस्टैंड वॉट इज लीगली एनफोर्सेबल? यस, वी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. So let us understand with the help of words what is legal enforceability. What is legal enforceability? Okay, I will use this word obligation. Obligation is a word which all of you have heard of. Obligation. We have various obligations in our lives na. We do have various obligations in our lives. Okay. Just a moment. Okay, we have various obligations in our lives. Now, what are the types of obligations which we have? Obligations could be of different types and manifold types. Number one, we have some moral obligations. Moral obligations. We have some social obligations. Hai na?
we have some legal obligations. Now here, when we talk about legally enforceable, we are talking about which kind of obligation? Moral, social, or legal? Legal obligation only. Now let me help you understand this also with a very basic and real life example and a common example. Let's say all of you have traveled via metro rail. Metro rail se sab log travel kiye hai. Metro rail se nahi bhi kiye honge to rail se to kiye hi honge ya bus se kiye honge. ठीक है, तो लिखा रहता है ना, कुछ रिजर्व सीट्स रहते हैं लेडीज के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए. तो ये जो रिजर्व सीट्स रहते हैं वहां पे आप नहीं बैठे, आप जनरल सीट में बैठे. पूरा बस भरती है या पूरा मेट्रो रेल भरती है और कई जगह नहीं है. लेट से एक बुजुर्ग आदमी आपके सामने आके खड़ा हो गया और आप क्या कर रहे हो, आपका कान में वो है earphones and you're listening to music, you're totally, you know, obliviated, as in you're in the dark, you cannot see who is in front of you. You're conscious but you cannot see, you choose not to see so that you won't have to offer your seat. Aisa bhi dekhe ho, dekhe ho, theek hai. To aisa agar ho raha hai, kya wo buzurg aadmi next station mein police ko laake bolega dekho baithne nahi de rahe, bol payega? No, because that's not a senior citizen's reserved seat. And that is exactly why you're sitting. Maybe you do not have a legal obligation, but on to the contrary, you may have a moral obligation or a social obligation to offer the seat, due to which many people offer the seat. But is there any legal obligation? No. So can you see the difference between legal obligation and moral obligation? Now let me explain you social obligation. Let's say one of your neighbors is passing by, you know, in the streets, and he or she said hi to you, being neighbor, greeted you. You did not even look at, you refused to recognize them. Aise chal gaye, theek hai, and you were not unmindful, let's say. So tell me, will your neighbor be able to take legal action? Why not? Because there was a social obligation on your part to respond to his or her call. Unka greeting ko respond karne ka jo obligation aapke upar tha, wo obligation ko aap legal obligation nahi keh paoge. Kaun sa obligation keh paoge? Social, not even moral. Social obligation, you fail to fulfill such social obligation, it will not be deemed to be a legal obligation. So there's a difference between the obligations which are created by different things. So when we talk about legal enforceability or enforceable by law, which obligation is getting created? Legal obligation. So legal enforceability means creation of legal obligation, creation of legal obligation. Clear hai? Creation of legal obligation. Is it clear, all of you? Yahan tak pura clear hai na? Okay, now let me tell you, Indian Contract Act का ये जो सिलेबस है 75 सेक्शंस, इसको जो किताब है सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, दो मटेरियल आप लोग को मिलेगा, एक सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो सीए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, एंड एक एसएससीआई का मटेरियल जो मेरा मटेरियल है, मेरा बुक है, वो आपको यहां से मिलेगा अगला हफ्ता के पहले, ठीक है, मतलब बिफोर मंडेस क्लास यू विल गेट इट. सो दीज टू बुक्स आर सेम. On the first class itself, I clarified to you that books cannot be different. On what ground? Especially law books cannot be different globally, because all law is written by parliament. And parliament ka language to ek hi hai na. Law kya koi author ya teacher bana raha hai ya parliament bana raha hai? Parliament. To law ka language kabhi dusra ho hi nahi sakta hai koi bhi kitab mein. और कंटेंट भी, तो ये लेके एकदम भरोसा रखिए कि हर बुक एक ही है,
पहला चीज. दूसरा चीज जो 75 सेक्शंस को वो लोग डिवाइड किया, दे हैव डिवाइडेड दो 75 सेक्शंस इनटू सिक्स यूनिट्स या सिक्स चैप्टर्स. इन माय बुक दे आर डिवाइडेड, द सेम थिंग इज डिवाइडेड इनटू फोर चैप्टर्स. यूनिट वन इज यूनिट वन इन माय बुक. यूनिट टू इज अ बिग बुक चैप्टर विच कंप्राइजेस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. इन इंस्टीट्यूट्स मटीरियल यूनिट टू को और भी यूनिट में तोड़ दिया. सो दे हैव सिक्स यूनिट्स एंड आई हैव हाउ मेनी यूनिट्स, फोर. It's the same. The new material, updated material of institute I'm talking about. Okay? All right. So, I have that here. I just wanted to show you in order to instill confidence in and also to show you what is there. So, dekho, basically, this is nature of contract. The first unit. I'm sorry. So nature of contract, this is the first unit, and how many units are there? I told you 6 units are there. Okay? Here you can see consideration and other essential elements of contract, unit 2 and 3. I have only one unit, unit 2, which states consideration and other essential elements. Baat samajh mein aaya? Unit 2, 3 mila ke mera ek unit hai, unit 2. Aur un log ka unit 5 or 6 mila ke ek unit mera hai, unit 4. समझ में आया? तो यही है, सेम चीज सेम कंटेंट्स मैं दिखा दिया. ठीक है, मेरा किताब हाथ में मिलेगा, बट अभी मिला नहीं, इसलिए थोड़ा किताब इंस्टीट्यूट का दिखा दे रहा हूं, जाके वो भी तो फायदा आएगा. ठीक है, कहीं से भी पढ़ो. तो देखो, पहला चीज है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? विच आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. कैन यू सी सेक्शन 2H? कैन यू सी? यू कैन सी राइट? इज इट वेरी स्मॉल? ओके, नाउ 2H, agreement enforceable by law. Same thing will be there in my book. Section 2E, what? Every promise or every set of promises forming consideration for each other. Agreement. Can you see? Then promise. Proposal when accepted becomes promise. So these are the things, and this is the equation which I was talking about, and enforceability by law tak hum log kiye. Clear hai? So agreement and contract ka farak kya hai, wo bhi main bata diya. Legal enforceability. Hai na? So this is what we have done, and the next topic which I am going to start with is this, and mera book mein bhi same flow mein hi hai. तो मैं लास्ट क्लास में भी आप लोग को बुक्स के बारे में बोला था एडमिनिस्ट्रेटिवली समझाने के लिए कि बुक्स लेके परेशान मत होना, दोनों बुक्स एक है, दोनों किताब एक है. जस्ट मैं जैसे पढ़ाऊंगा, जो जो शब्द यूज करके पढ़ाऊंगा, जो फ्लो में पढ़ाऊंगा, वो एग्जैक्ट मेरा बुक में है. तो आपको भी इसलिए मेरा बुक फॉलो करने से ज्यादा कॉम्फर्ट रहेगा. अदरवाइज बोथ द बुक्स आर सेम. क्लियर है? वंस अगेन आई वॉन्टेड टू री एस्टैब्लिश द फैक्ट. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक ऑन द व्हाइट बोर्ड लाइक आई वॉज डूइंग. आई विल डू दिस टॉपिक वंस अगेन इन एज पर द पॉइंट्स विच विल बी रिटन इन माई बुक. क्लियर है? इज इट क्लियर सो फार? ओके, ऑल राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड contract. They call it essentials of a valid contract. Okay? Essentials of a valid contract. Okay. Okay, sir. What is the essentials of a valid contract? वो लोग बोल रहे एक contract को valid होने के लिए what are the essentials? What are the essential elements which are required to make a contract valid? I will talk about 8 such एसेंशियल एलिमेंट्स. मेरा बुक में वो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स लिखा रहेगा, जिसको तोड़ के इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट का बुक में तुमको कितना मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 5, 11. ओके, सो ऑल दीज 11 पॉइंट्स आर देयर इन माय बुक एज 8 पॉइंट्स क्लब्ड. ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन सच अ मैनर दैट ये बुक पढ़ने से भी तुमको सब समझ में आ जाएगा, बट वो बुक में वही 8 वैसे ही दिया रहेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं. समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? मैं इनिशियली कभी कभार दिखा देता हूं, जाके तुम लोग को कोई भी मतलब परेशानी ना हो.
दुविधा ना हो, घर जाके कभी भी कुछ परेशानी खुद से भी ना हो, ठीक है. इन केस इफ देयर इज एनी फर्दर यू नो प्रॉब्लम विच लिंगर्स और परसिस्ट्स, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी एंड क्लैरिफाई. ओके, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, सम ऑफ यू डोंट नो प्रोबेबली. सो जिन लोग ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए वो लोग आज हो जाना, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे हैं, ठीक है, तीन चार तो है ही. एडमिनिस्ट्रेटर लोग एक बार हाथ उठा लो, ठीक है. दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ देम एंड गिव योर नंबर. ओके, नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फ्रॉम द नेम ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ यू कैन फोकस एंड यू कैन यू कैन गेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एलिमेंट्स मस्ट बी देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट एलिमेंट्स मस्ट बी देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मेक इट अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. In order to make a contract legally valid and sound, what are the elements with which a contract shall be made? Okay, now let me talk about it. The first essential element of a valid contract is that, mere ko batana, wapas ek example lunga, whether this is a valid contract or not. Based on that, I will talk about the first essential element. द एग्जाम्पल इज एक लड़का है जिसका नाम है एक्स. लड़का का नाम एक्स होता है सर, अल्फाबेट का नाम एक्स होता है, ठीक है. एग्जाम्पल में होता है ना एक्स, ही इज अ बॉय 18 ईयर ओल्ड एंड ही इज एन एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट डूइंग सी ए फाउंडेशन, ठीक है, क्वाइट सिमिलर स्टोरी. एंड एक्स का डैड ऑफ एक्स, एक्स को प्रॉमिस किया, promise ke if you pass CA, on passing CA foundation I will give you 1 lakh rupee incentive motivation. ha ab dhyan se sunna, ye jo sauda hua, ab sab log pooch rahe ek dusre se, tera papa bola tere ko, theek hai, ye jo contract hua hai baap bete ke beech ya father son ke beech, ye contract का फ्यूचर पहले बता दूं, ये पास कर जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में. ब्राइट लड़का है तुम लोग जैसा, फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ाई करके पूरा निकाल लिया सीए, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन क्लियर. अब सोचो, यही शब्द दिखना है तुम लोग को भी, तो अब सोचो ये पास जैसे ही कर गया, ये पहला चीज क्या किया पता है? कुछ नहीं किया, स्ट्रेट पापा को फोन करके बोला 1 लाख, ठीक है. अब पापा इसका बोला अभी नहीं दूंगा, 1 लाख अभी जमा के रख रहा हूं तुम्हारा नाम पे ही बैंक में, तुम इंटर पास कर जाओ उसके बाद दूंगा, ठीक है. तो द आइडिया इज द मोमेंट हिज डैड रिफ्यूज्ड ही वेंट टू द कोर्ट्स एंड वांटेड टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट हिज फादर. लॉ पढ़ लिया ना फाउंडेशन में, तो वॉन्टेड टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट हिज फादर. नाउ विल ही सक्सीड और वोंट ही सक्सीड? Because this is not a formal contract. This is a social agreement. Can I say? This is a social agreement and this lacks what? Legal enforceability. Why? Because the parties to the contract, the father and the son, intended to enter into a legal contract or did not intend to enter into a legal contract? Did not intend to enter into a legal contract. So the most important element of a valid contract should be the intention of the parties to enter into a legal contract. Intention of the parties is first essential element. Clear hai? Intention of the parties. So the first essential element I talk about is the intention of the parties. Intention of the parties. और ये जो एग्जाम्पल मैं लिया ना, इनफैक्ट क्लास में आइंदा जो भी एग्जाम्पल मैं लेता हूं वो सारा एग्जाम्पल से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन. और ये जो आप एग्जाम्पल दिए इससे क्वेश्चन आया था, हाँ सेम क्वेश्चन आया था, फादर सन. पास्ट पेपर्स जब कराऊंगा दिखाऊंगा और तब भी तुम लोग को आंसर पहले से ही पता है कि फादर एंड सन के बीच में जो तय हुआ था, जो भी हो जाए दुनिया में, अनलेस इट इज अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फुल फ्लेज्ड, सो इट विल ऑलवेज बी व्हाट? अ सोशल अग्रीमेंट, ठीक है. अनलेस इट इज कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना,
बाप बेटे के बीच क्यों नहीं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो ही सकता है। बट अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ऐसे ही बाप ने बेटा को कुछ वादा किया, तो वो वाला क्या हो जाएगा? सोशल एग्रीमेंट, बिकॉज दैट लैक्स, द पार्टीज लैक द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दे लैक द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशन, टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हाँ, कमर्शियल तो नहीं होगा बट लीगली एनफोर्सेबल हो सकता है। हाँ, लीगली एनफोर्सेबल से मतलब है, मैं तो ये नहीं बोला ऑल एग्रीमेंट्स विच आर कमर्शियल आर कॉन्ट्रैक्ट, आई सेड ऑल एग्रीमेंट्स विच आर लीगली एनफोर्सेबल आर कॉन्ट्रैक्ट। यस, कोर्ट नहीं, हम लोग जब एग्रीमेंट बनाते हैं कोर्ट में नहीं जाते हैं, कोर्ट पेपर में बनाते हैं, स्टैम्प पेपर, लीगल पेपर। सो ओके, सो योर क्वेश्चन इज, हर क्वेश्चन इज वेदर व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ अ प्लेन पर्चा या प्लेन पेपर, ब्लैंक पेपर वेयर यू गेट समथिंग साइंड, देयर इज नो, सॉरी, नहीं नहीं, नॉट 10 रुपी पेपर, शी इज टॉकिंग अबाउट अ ब्लैंक नॉर्मल A4 शीट। सपोज करो तुम्हारा कॉपी में तुम लिख लिए डैड का नाम, मिस्टर सो एंड सो विल पे मी सो एंड सो ऑन सक्सेसफुली पासिंग CA फाउंडेशन एग्जाम इन नवंबर 2019। तुम्हारा साइन किए, तुम पापा को बोलो साइन कीजिए, जोड़ करके साइन करा है, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, फर्स्टली ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। पहला बात, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैसे देखा जाएगा, तुम क्या पढ़ रहे हो, कानून क्या बोल रहा है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। मैं क्या पढ़ाया, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रहना चाहिए क्या, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। अब जब ये मैटर लेके डिस्प्यूट होगा, जब कोर्ट में मामला उठेगा, तब तुम सबूत ये करना चाहोगे कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज था, और ये सबूत करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम वो पेपर लेके जाओगे और दिखाओगे, और उनका सवाल है कि क्या ये पेपर वैलिड प्रूफ है, यही है ना आपका सवाल, क्या ये पेपर वैलिड प्रूफ है, यही तो है सवाल। तो ये पेपर वैलिड प्रूफ है कि नहीं, इसका आंसर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कोर्ट हमेशा इसको डिस्कार्ड भी नहीं करेगा और हमेशा इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है, बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल पेपर, स्टैम्प पेपर। कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, बट कोर्ट क्या बोलेगा वो तो कोर्ट के ऊपर है, परिस्थितियों को देख के कोर्ट आंसर देता है। कोर्ट का हाँ या ना हम लोग यहाँ पे बैठ के नहीं बोल पाएंगे, कोई भी नहीं बोल पाएगा, कोई फॉर्मर जज भी अगर लॉ पढ़ाएगा वो भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा, तब जब जो बैठा है, जो जस्टिस डिलीवर कर रहे, जो केस को मतलब समझ रहे, ठीक है, तो और अदर एविडेंस पे निर्भर करेगा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या था, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा पहले ही बता दूं, लॉ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एज अ CA और एज CA स्टूडेंट्स, वी विल ओनली स्टडी एंड मोस्टली स्टडी द लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वी विल नॉट स्टडी के कैसे सबूत किया जाएगा कोर्ट में, कोर्ट का प्रोसीडियरल पार्ट ऑफ द यू नो कानून इज मोर अ स्टडी मैटर फॉर लॉयर्स। कोर्ट का प्रूफ का पार्ट इज मोर अ स्टडी मैटर ऑफ लॉयर्स। इनफैक्ट CAs कैन नॉट रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स इन कोर्ट्स, वी कैन ओनली रिप्रेजेंट आर क्लाइंट्स टिल ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, जैसे कि GST का मैटर, ठीक है, जैसे कि कंपनी लॉ का मैटर, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में वी कैन गो, बट वी कैन नॉट गो इन हाई कोर्ट्स, एंड देयर ऑल्सो वी नीड लॉयर, ओके, एडवोकेट, ठीक है। सो बट नॉनदलेस टू द एक्सटेंट पॉसिबल विल मेक आर क्लास एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल एंड एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मेक इट सो आई समटाइम्स एंटरटेन सच क्वेरीज वेर आई कैन यू नो टेक द लिबर्टी टू एक्सप्लेन यू द कोर्ट प्रोसीडियर्स ऑल्सो, ओके। All right. So,
आई वॉज कमिंग टू द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट हम लोग को समझ में आ गया. इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट जाने से पहले मैं और एक ज्ञान दूंगा. वो ज्ञान ये है कि एक केस लॉ क्या है. लास्ट क्लास में समझाया था केस लॉ क्या होता है. नहीं, केस लॉ होता है, वेरी गुड, स्पेसिफिक जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. हाँ, यानी कि लेट्स से एक केस लॉ है, ऐसा ही एक केस लॉ है. केस लॉ का फैक्ट्स पहले बताऊंगा और उसके बाद केस लॉ का नाम बताऊंगा. और क्यों केस लॉ हम लोग पढ़ते हैं वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं मैटर बताऊंगा. तो मैटर पहले बताऊं. मैटर कुछ ऐसा था, एक मैरिड कपिल था. मैरिड कपिल, ठीक है. नाउ दिस मैरिड कपिल में हस्बैंड को नौकरी मिला बाहर में, देश का बाहर में, फॉरेन. ओके, नाउ द हस्बैंड वाज मूविंग अब्रॉड लिविंग हिज वाइफ. बहुत पुराना जमाने का बात है, तब विमेन यूजुअली डिड नॉट वर्क सो मच. सो शी वाज अ हाउस वाइफ. शी वाज अ हाउस वाइफ. तो हाउस वाइफ, she was dependent on her husband's money. That is the bad part which was there earlier. So dependent on her husband's money, to husband ne usko promise karke gaya ke main aapko paisa bhejte rahunga. I will keep on sending you money so that you can sustain yourself. Yes or no? So that promise the husband meant and went abroad to work. After 6 months, the husband sent no money. So she got upset. And she got into problems. Okay, financial problems. And the idea is, the very next day, not next day, as in within 6 months, she also moved to the court to file a suit against her husband. Wo lala pata hai, promise karke gaya, mere ko bhejega. Ab mere ko batao, the marriage is also a contract. Marriage is a legal contract between two consenting adults to live together. It is the actual. वो सब हिंदी फिल्मों वाला डायलॉग नहीं. शादी, ठीक है, आग को परीक्षा, ये सब क्या, ठीक है, बेकार है. So the idea is, marriage is always a legal contract. Always understand it legally. It's a legal contract between two persons, two consenting adults to live together. Nothing more, nothing less. Now, the idea is, in the marriage contract, if anything otherwise is not mentioned, if anything otherwise is not mentioned, marriage mein khali dono ka saath mein rehne ka hi khali agreement hai. Koi kisi ko paisa dega iska agreement nahi hai. Kabhi nahi hai. Kuch kuch marriage contracts mein ye bhi hai, koi kisi ko paisa dega. Hollywood mein, some of the Hollywood stars get married with big business tycoons with a clause that I'll get paid $2 million per year. There are such contracts. You'll be amazed. Yeah, there are many such examples. There's many, many such examples. For instance, there was an actor, Hollywood actor called Michael Douglas. He had promised to pay Catherine Zeta-Jones $2 million per year. So there are many such contracts, full of such contracts, gold diggers. Okay, now the idea is, defamation nahi karega mere upar, wo dekhega hi nahi ye class. Okay, now the idea is what? Idea is, ye sab contracts jo hai, wo to exceptional contracts ho gaya, theek hai, Hollywood ka mamla ho gaya. But the idea is, if I talk about plain Jane, plain vanilla marriage contracts, usme kya rehta hai? Kuch nahi, ye sab. To mere ko batao, ye jo aurat thi, ye jo wife thi, jinka husband bahar chala gaya tha, aur wo jane ke baad jo paisa nahi diya, unko jo hardship hua, hardship ki wajah se she moved to the courts in order to seek justice, and she sought that her husband shall be, you know, brought to books and shall be made to pay her the money which is owed to her. Yes or no? Now the courts took the case, but the court said, what do you know? Any guesses? No. The court said, sorry, we cannot help you, because this is once again a
social agreement, excellent. And not a formal contract, because your husband was never made to write on paper, or there was no intention between you and your husband to formally agree upon this thing. Right. There was no formal agreement. He was concerned about you, and like any other husband, out of concern, he promised to pay you some money. Yes or no? But is he legally obliged? No. So we cannot legally enforce this payment. We are sorry. So this is a landmark judgment. Landmark judgment ka matlab hota hai, very old and, you know, very, yeah, historic judgment. Correct. Historic is the word. So very historic judgment, never seen before, that kind of. So this kind of landmark judgments is what we study in law as a part of law. Act, rules and judgments. Last class bol raha tha na. To ye bhi ek judgment hai. Aur har ek judgment ko hum log dusra shabdon mein case law bhi bolte. Theek hai na? Ya case study. ठीक है ना. तो ये केस लॉ जो हुआ था, इस केस लॉ का नाम था बैलफोर वर्सेस बैलफोर. और जाहिर है कि एक बैलफोर मिस्टर है और एक बैलफोर कौन होगा, मिसेस है ना, मिस्टर एंड मिसेस बैलफोर के बीच, इसीलिए बैलफोर वर्सेस बैलफोर. नाउ मेरा सवाल दूसरा है, इनमें से कौन मिस्टर है कौन मिसेस है? First is Mrs., second is Mr. Very easy na? Ladies first. Is it? Chivalrous? Excellent. Excellent. So, many of you are saying that the first one is the, you know, appellant. In log ko kya bola jata hai? Appellant. As in the person who lodges or files the lawsuit. And the second one is known as respondent. एंड इनको और एक नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेंटिफ. जो केस करता है उसको बोला जाता है प्लेंटिफ, राइट? और इसको डिफेंस, डिफेंडेंट. ठीक है, ये डिफेंड करेगा, है ना, और ये अटैक करेगा. अटैक नहीं, प्लेंटिफ, केस करेगा. क्लियर है, समझ में आया? तो ये होता है ऑर्डर ऑफ. तो दिस इज मिसेस बैलफोर and this is Mr. Balfour. ठीक है, clear? Okay. Now this is evident. Okay, all right. Now ये रहा केस लॉ जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं. बहुत सारा केस लॉ का नाम आने वाला है, तो केस लॉ के बारे में भी एक जनरल ज्ञान रहना चाहिए, इसीलिए मैं बोल दिया. और इस जो ये जो पॉइंट था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसके साथ संपर्क रखने वाला जो केस लॉ है वो यही है, बैलफोर वर्सेस बैलफोर. तो वैसा सवाल अगर आया, पापा ने प्रॉमिस किया बेटा को 1,00,000 रुपया देगा, जो आ चुका है सवाल, मैं बोला था ना एग्जाम्पल में, ऐसा सवाल आ गया. तो पापा ने प्रॉमिस किया बेटा को 1,00,000 रुपया देगा या कुछ देगा गिफ्ट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एन एग्जाम और अ कोर्स, देन इफ पापा ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, यू कैन नॉट बुक द पापा बिकॉज इट्स वर्स अ सोशल एग्रीमेंट. एंड उसमें आंसर जब लिखोगे, यू कैन रेफर टू दिस केस लॉ इन ऑर्डर टू गेट maximum marks. This is how answer is presented. Now you get it. If you refer that the similar situation or similar points were covered in the case law of Balfour versus Balfour, then you get grace. Your answer is much more graceful. Yes or no? So this is how you write the best answer. Okay. Just an idea. We will learn everything. We will see answers also. Just an idea. Hint. Clear hai? Yahan tak pura clear hai? Control mein hai? Aage. तो मैं बोला 8 एसेंशियल एलिमेंट है ना, 8 शायद आज ना भी हो, तो 3-4 भी हो जाए तो काफी है. ठीक है, देखते हैं. ओके सर, द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है सर? सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन. ये एकदम छोटा है. देखो मैं बोला था ना, बुक में सी इंस्टीट्यूट का बुक में 11 है पॉइंट्स, मेरा बुक में 8 है. तो मैं सेकेंड पॉइंट को, दो पॉइंट को क्लब करके एक साथ कर दिया, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन. सी इंस्टीट्यूट का बुक में लॉफुल ऑब्जेक्ट अलग पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन अलग पॉइंट. सो दैट इज मीनिंगलेस, बट ऑफ कोर्स दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ देयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आस. ओके, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, बोथ द पॉइंट्स आर सिमिलर, सो व्हाई टेक द पेन ऑफ यू नो डूइंग इट अदर वे. यू कैन स्प्लिट इट वाइल राइटिंग योर आंसर.
But understanding why is there same? Let us understand. Okay. Now, lawful object and lawful consideration. What do we mean by object? Irada, maqsad, purpose, object. Okay. Now, let's say Mr. Vijay Mallya. Hasumat. Mr. Vijay Mallya, okay? Mr. Vijay Mallya and Mr. Nirav Modi, both are absconding. Okay, not absconding, they are in UK, both of them. And extradition process is being initiated to send them back. And cases are pending against them for extradition. That is to send them back and deport them back to India, bring them back to India. So against the Indian government, they are fighting that case in London. Now, they have met, let's say, imagine, they have met, jail mein nahi, bahar mein, okay? They have met London mein by the side of the Thames River and they are sitting, drinking tea, okay? And they are discussing what to do. They are planned and they are agreeing ke chalo, hum log abhi milke, tum alag se karoro banaye, main bhi alag se karoro banaya. हम लोग मिल के अभी मतलब अरबों बनाएंगे और इंडिया छोड़ो अभी यूके में है यूके को लूटते हैं अब बताओ अगर ये एग्रीमेंट उन लोग के बीच हुआ क्या ये लीगली एनफोर्सेबल होगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल और अनलॉफुल सो दैट इज व्हाई फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड द वेरी बेसिक ऑब्जेक्ट हैज टू बी लॉफुल The very basic object has to be lawful. So for a contract to be valid, the object must be lawful, and that is what this point is saying, lawful object. Now what about consideration? What is consideration and what about consideration? Let us understand that. Now with consideration, we mean consideration ka aur ek naam hai, unit 2 mein hum log padhenge consideration kya hai. Consideration ka aur ek naam ho gaya quid pro quo. अच्छा क्यों बहुत लोग बोलते हैं मैं पहले ही बता दूं क्विड बोला प्रो बोला और क्यों बोला एक्चुअली दिस इज प्रोनाउंसिएशन का रूल व्हेन यू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज यू विल अप्रिशिएट इट क्यू यू नो फॉलोड बाय यू यू इज अ वावेल एंड यू फॉलोड बाय अनदर वावेल यू बिकम साइलेंट सो दैट इज व्हाई आई प्रोनाउंस्ड इट को ओके Co. So I have just silenced the U because that's the rule of pronouncing vowels, especially in European languages, which are derived from Latin, and this is also Latin. Quid pro quo. Okay, all right. So, sir, how do you know this rule? I know Spanish. Okay. So quid pro quo. Quid ka matlab hai something. Quid means something. Yeah. Pro in return. Something in return is the meaning of the phrase. Phrase ka matlab hai something in return. And isiliye quid pro quo best fits consideration. Consideration matlab badle mein kuch. Badle mein kuch milna. Tum agar kisi ke liye kuch kar rahe ho, to tumko badle mein consideration mil raha hai. Aur wo bhi tumhare liye kuch kar rahe hai, to usko bhi consideration mil raha hai. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में तो हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं और इसको लैटिन एक फ्रेज डिस्क्राइब भी करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विड प्रो को और क्विड प्रो को का मतलब क्या हुआ कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न इन यू नो टीवी शोज और यू नो डिस्कशंस डिबेट्स सम ऑफ द एलीट पैनलिस्ट्स दे यूज सच वर्ड्स दे यूज वर्ड्स लाइक क्विड प्रो को एंड समटाइम्स यू नो द ऑडियंस आर बैफल्ड They are surprised. What words are these people using? So quid pro quo means something in return. Okay? So this is number one. Sir, but aap to bol rahe the lawful consideration. Haan, lawful consideration kya hua? Ye bhi almost same hi hai lawful object jaisa. Suppose karo, suppose, not reality. Suppose your teacher, that is me, I scold any of you in class and you get angered. फिर तुम नीचे गए कोल्ड ड्रिंक का दुकान में कोल्ड ड्रिंक पीते पीते सोच रहे हो सर मेरे को डाटा कैसे बदला लिया जाए ठीक है अब तुम सोच के देखे कोल्ड ड्रिंक दुकान में एक गुंडा जैसा कोई आया फिर तुम उसको पूछे भैया आप एक मदद करोगे बोला क्या तुम व्हाट्सएप में मेरा डीपी निकाले इस आदमी को थोड़ा ठीक है अब उसको मेरा फोटो भेज दिए और साथ साथ पेटीएम या गूगल पे से कुछ
बख्शीश भी भेज दिए, कंसीडरेशन. ओके, नाउ ये जो कंसीडरेशन है इसमें तुमको जो बदले में मिलेगा, हाँ तुमको बदले में बदले का खुशी मिलेगा. सो ये जो तुमको मिलेगा वो लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, इनवैलिड. इनवैलिड है मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज फॉर वांट ऑफ लॉफुल कंसीडरेशन इट विल बी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एंड अगर बाद में वो मेरे को कुछ नहीं भी करता है तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे, बिकॉज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं. हाँ करेक्ट, और तुम जाके पुलिस स्टेशन में जाके भी नहीं बोल पाओगे कि मैं करेक्ट. क्लियर है, समझ में आया? तो लॉफुल कंसिडरेशन का वांट के लिए वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी इनवैलिड. सो इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन मस्ट बी ऑलवेज लॉफुल. क्लियर है? यस श्योर. या यस एब्सोल्यूटली. Right. Would that on part of the person who's selling from Calcutta, would that be a lawful object? Because absolutely lawful. Absolutely lawful. If he gets, when he smuggles those products into Gujarat, he gets caught. Place of sale, if it's in West Bengal or any other state where liquor is allowed, then place of sale mein agar koi pabandi nahi hai. So his question, let me explain to all of you, then only it will make sense to all of you. He is saying there is a state of Gujarat. So Gujarat jo state hai, Gujarat state is a dry state. Dry state ka matlab humidity wise to dry hai. Dry state ka dusra meaning hota hai, you cannot sell or buy liquor. Liquor means what? Alcohol. Strict prohibition on use of alcohol is there. ठीक है, तो गांधी जी का स्टेट है इसलिए. नाउ द आइडिया इज गुजरात का ये जो स्टेट में ये जो प्रोहिबिटेड है, इस प्रोहिबिशन में भी, दिस इज नॉट अ प्रोहिबिशन, दिस इज रेस्ट्रिक्शन. आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन लीगली ऑल्सो. प्रोहिबिशन मतलब जो एकदम मना है, रेस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी है. वहां पे ना रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है. मेडिकल पर्पज के लिए तुम खरीद पाओगे? तो कुछ कुछ लोगों को लाइसेंस मिलता है खरीदने के लिए, तो लाइसेंस्ड है. लाइसेंस्ड मतलब क्या, प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड? रेस्ट्रिक्टेड. तो मेरे को भी पढ़ के ही मालूम चला, मैं कभी गया नहीं, सो इसीलिए मतलब कभी जाके ढूंढा नहीं. तो द आइडिया इज रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन है, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड. इट्स नॉट एट ऑल प्रोहिबिटेड, इट्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड देयर. It's only restricted there. Okay. Now, the second thing he is wanting to know कि सर अगर कोई बंगाल का, कलकत्ता का आदमी है जो गुजरात का एक आदमी को बेच रहे लिकर कलकत्ता में या बंगाल में, और वो आदमी, उसको पता है वो आदमी क्या कर रहा है, ये लिकर ले जाके स्मगल कर रहे हाई प्राइस में वहां पे जाके बेच रहे, और क्या वहां पे तो डिमांड सप्लाई चल रहा है. सो द आइडिया इज क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है? मैं बोल रहा हूं नहीं, बिकॉज तुम जो सेल कर रहे हो, तुम तो यहां पे सेल कर रहे हो ना, यहां पे सेल कर रहे हो, तो यहां पे अगर सेल कर रहे हो और तुमको पता नहीं है, लेट्स से तुमको पता नहीं है वो क्या कर रहे, वो खुद पी रहे या रीसेल कर रहे या कहां पे रीसेल कर रहे, यू डोंट नो, देन इट इज नॉट इलीगल. बिकॉज व्हाट इज इलीगल? सेलिंग लिकर इन गुजरात. सेलिंग लिकर इन गुजरात, यू आर नॉट सेलिंग लिकर इन गुजरात, यू आर अ डीलर इन बंगाल. इफ समवन बाइज फ्रॉम यू, हाउ आर यू, यू नो, doing the wrong thing. Let's say same thing. Okay. Selling tobacco is not a crime in airport. Not a crime. To tobacco ka dukaan hai duty free mein. But lighting up a tobacco is crime na. Kitna mazedar hai na law. Lighting up tobacco or smoking a tobacco is a crime, because within that no smoking zone you cannot smoke, but at the same time no smoking zone ke andar hi dukaan hai jis dukaan mein tobacco hai airports mein. Irony hai na. To jo bech raha hai usko thodi na dosh hai, to bech raha hai wo to license leke bech raha hai,
ड्यूटी फ्री का लाइसेंस, ड्यूटी फ्री का शॉप्स है ना। सो ड्यूटी फ्री में जो बिक रहे है वो सारा सामान कंज्यूम करना वहां पे अलाउड नहीं है क्योंकि कंजम्पशन का लाइसेंस नहीं है, बट सेल तो है ही। तो बंगाल में सेल करने का लाइसेंस लेके जो बेच रहे है वो क्यों नहीं बेचेगा? क्लियर है, समझ में आया? हाँ, या सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। अल्कोहल वाला कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकंड, अल्कोहल का सेल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी गुड का सेल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। सो कोई भी गुड्स का सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, एक पार्टी गुड्स खरीदेगा, दूसरा पार्टी गुड्स बेचेगा और एक पार्टी दूसरे को पैसा देगा, जो खरीदेगा वो बेचने वाले का, बेचने वाले को पैसा देगा। यस, राइट, he was asking different thing, he was saying a buyer buying goods from here and taking those goods to Gujarat. Are you getting me? I did not say a person sending shipping goods from here to Gujarat directly. theek hai, wo to galat ho jata, ha tab seller ko hi tab charges lagta, theek hai, seller buyer dono ko charges lagta, but yahan pe unilateral charges lagega buyer ko. clear hai, समझ पाए ना? तो दो केसेस हम लोग डिस्कस किए, जस्ट बिकॉज क्वेरी आया था तो मैं बोल दिया। क्वेरी का समरी या क्वेरी का जो मेन आंसर है वो आंसर कुछ ऐसा है कि अगर आप कोई डायरेक्टली, आप कोई डायरेक्टली लॉ को तोड़ रहे हो तो आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट इन्फ्रिंजिंग लॉ, इन्फ्रिंजिंग लॉ का मतलब है लॉ को तोड़ना, then you're not, your contract is fine. ठीक है, so suppose करो गुजरात का कोई बंदा अगर बंगाल में आके अल्कोहल खरीदे, बंगाल में आके अल्कोहल खरीदने वाला contract is valid, but वही बंदा जब ये goods को गुजरात में ले जाके बेचेगा, गुजरात में ले जाके बेचने का contract will be what? invalid. now you get it, now you get it, okay. ऑलराइट, ठीक है, ओके। नंबर थ्री, अच्छा सर पहला दो पॉइंट क्या बोले, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना देख के, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, केस लॉ क्या था, बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट वॉज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड द केस लॉ वॉज बेलफोर्ड वर्सेज बेलफोर्ड। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट वॉज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। देर आर एट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर थ्री आई एम डूइंग। नंबर थ्री इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं पहले बता दूं छह कॉम्पिटेंसी के बारे में मैं बताऊंगा या इनकॉम्पिटेंसी, एक ही बात है, जो कॉम्पिटेंट होगा वो कर पाएगा, जो इनकॉम्पिटेंट होगा वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए कॉम्पिटेंसी एंड इनकॉम्पिटेंसी दोनों पॉइंट ही यहां पे कवर हो रहे हैं। अब इनकॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन सिक्स ग्राउंड्स आई विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट ग्राउंड आई एम डिस्कसिंग बिकॉज द फर्स्ट ग्राउंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड थ्रू आउट पार्टनरशिप एक्ट ऑल्सो, दैट इज द एज ऑफ द पार्टी, द एज ऑफ द पार्टी। यस, सो इट इज बींग सेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टी जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है, कोई भी पार्टी जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है मस्ट बी अ मेजर, मस्ट बी अ मेजर। मेजर का मतलब होता है वन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 18, वन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 18, यानी कि मैथमेटिकली स्पीकिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला यानी कि 18 या अबव, ठीक है ना, यानी कि एनी पर्सन बिलो 18, मोस्ट ऑफ सम ऑफ यू आर बिलो 18 हियर, सो एनी पर्सन बिलो 18 विल बी अ वॉट, विल बी अ माइनर।
And Indian Contract Act साफ साफ बोल दे रहे, you cannot enter into a valid contract with a minor. So the parties to a contract must be what, a minor or a major? Major. And any person who is minor or who is below the age of 18 cannot enter into a valid contract. He will lose. He is not competent to enter into a contract. So incompetent हो जाएगा. Incompetent कौन है? Minor. Competent कौन है? Major. Clear है? So first one is based on age limit of a party, and उसमें क्या है? Competent is major. Incompetent is minor. नहीं, both the parties has to be major. हाँ, नहीं वो तो एज नहीं पता तो तुम मेजर ही पकड़ो. ठीक है, 18 फादर सन तो 70 और 90 का भी हो सकता है. 90 का फादर, 70 का सन. इज इट नेसेसरी फादर सन बोलने से ही छोटा बच्चा होगा? और ठीक है, हर एक जन का फादर है. ओके, 90 एंड 110 का भी है, हो सकता है ना. ठीक है, कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट. ओके, सो कॉम्पिटेंट इज हु? मेजर. एंड इनकॉम्पिटेंट इज हु? माइनर. एंड हु इज द मेजर? ग्रेटर देन इक्वल टू 18. Greater than equal to 18 years and less than 18 years. Clear? Okay. Number two, we are saying mental capacity of the person. That is sound mind and unsound mind. They are saying ke you cannot enter into a valid contract with a person of an unsound mind. So who is incompetent? Unsound mind. A person with an unsound mind is incompetent to enter into a valid contract. So in, I will explain everything. Unsound mind. Now let me tell you, this term unsound has got a very broader connotation. Broader connotation का मतलब है बहुत wider meaning है इसका. इसको एक तरफा मत सोचना. Unsound का मतलब हमेशा पागल नहीं होता है. Unsound का एक मतलब होता है पागल, तो दूसरा मतलब होता है disturbed, तीसरा मतलब होता है mentally a little challenged. हाँ ना, बहुत सारा मतलब होता है. तो इसीलिए ऐसा टर्म को यूज किया गया, ना कि यूज किया गया ल्यूनैटिक. ओके, अ ल्यूनैटिक इज ऑल्सो एन अनसाउंड माइंड. एट द सेम टाइम अ ड्रंक पर्सन इज ऑल्सो अनसाउंड माइंड. हैव यू थॉट? यस, एब्सोल्युटली. ऑल कैन इमेजिन. सो द आइडिया इज अनसाउंड माइंड हैज अ वाइडर मीनिंग. इट हैज अ मच वाइडर मीनिंग. अनसाउंड माइंड यूज किया गया है लॉ में ना, वाइडेस्ट मीनिंग को यूज किया जाता है जाके पूरा कवर हो. अगर वो लोग बोल देता ल्यूनैटिक तो ड्रंक पर्सन उसके अंदर नहीं आता, बिकॉज अ ड्रंक पर्सन इज नॉट ल्यूनैटिक. अगर बोल देता इंसैनिटी तो सिर्फ इंसेन है ना. अगर बोल देता कि ड्रंक तो सिर्फ ड्रंक आता, ल्यूनैटिक एंड इंसेन कवर नहीं होता. सो एवरीथिंग टेकन टूगेदर इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. Now I am asking you a question based on certain practical questions which could be asked. Let's say a person who temporarily loses his mind. There are persons jin log ko temporarily pagalpanti ka daura padta hai. Theek hai, not short term memory loss, I am talking about temporary pagalpanti. Theek hai, aadha pagal, sune ho na. ठीक है, अब ये जो आदमी है जिसको कभी कभी दौरा पड़ता है, कभी कभी ठीक रहता है, ये जो आदमी है ये, इसको जब दौरा पड़ा तब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, बोलो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं. बट यही व्यक्ति जब ठीक है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? हाँ.
मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज टू बी सीन वेदर द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पर्सन एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड. सो वॉट इज टू बी जज्ड, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उन लोग का मन का स्थिति. अच्छा बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर होश और आवाज में तुम कर रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है क्योंकि तुम सोच समझ के की हो. और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही अगर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था तब क्या ठीक है? नहीं. सेम गोज फॉर अ ड्रंक पर्सन. ड्रंक पर्सन जब ड्रंक अवस्था में करेगा तब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, और जब सुबह उठ के ऑफिस जाके सोबर बन के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. ये तो होता ही है, दुनिया भर में देखते हो, है ना? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंड कनोटेशन ऑफ एन इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड अनसाउंड माइंड. फर्स्टली द वर्ड अनसाउंड माइंड इज ऑफ वाइडर इम्पोर्ट. इट मीन्स नॉट ओनली अ ल्यूनैटिक और अ इनसेन पर्सन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ ड्रंक पर्सन, ठीक है, हुज मेंटल एबिलिटीज आर इम्पेयर्ड. अ पर्सन हुज मेंटल एबिलिटीज आर इम्पेयर्ड. Okay, so your mental abilities are impaired when? When you become drunk, when you are a lunatic, when you are insane, when you are temporarily insane, aadha pagal. Hai na? These are the cases where your clear state of mind is not there. Ye cases mein aapka clear sthiti nahi hai man ka. Hai na? Disturbed ho. ठीक है. सो द आइडिया इज ये अवस्था में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बोलना चाहिए. क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अनसाउंड माइंड इज इनकेपेबल. क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके. सो अनसाउंड माइंड समझ में आ गया, साउंड माइंड समझ में आ गया. Now I will get back to what I gave a disclaimer. When she asked a question, I said court ka proof karne ka part is not a part of our studies. But I am trying to save time, not evade your question, because as it is, we have a limited class time. So I hope this question I can answer to you after class. If you want to, I can discuss with you, but not in the class. Okay? So she was asking that कैसे एक आदमी प्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, एंड हाउ विल इट बी प्रूफ्ड इन द कोर्ट इफ अ डिस्प्यूट हैपेंस दैट वेदर अ पर्सन वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड साउंड माइंड. मैं बोला ना, प्रूफ करने का जो लॉ का पढ़ाई है वही तो लीगल स्टडीज में होता है, लॉ का कोर्स में. आज ही बोला, और वो सवाल हम लोग का मन में आता है कभी कभार, और मैं बोला जहां तक संभव है मैं वो आंसर करूंगा, बट हर सवाल का वैसा आंसर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो टाइम को बढ़ा देगा. तो वो सवाल का अलग से मैं आंसर कर पाऊंगा क्लास के बाद, किसी को अगर जानना है वैसा, ठीक है. बट हम लोग को वो जानना ही नहीं है, ठीक है. कोर्ट में कैसे प्रूफ होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, बार बार ही बोल रहा हूँ. वो प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है. अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है, सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेशियल एविडेंस, आई विटनेस, विटनेस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही साइन होता है विटनेस का, विटनेस के साथ, ठीक है. हाँ सॉरी, हाँ, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, पास्ट रिकॉर्ड्स, ट्रैक रिकॉर्ड्स, ये सब तो है ही. ये सब तो सर्कमस्टेंशियल हो गया. मैं बोला सर्कमस्टेंशियल छोड़ के मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में ना विटनेस का भी साइन लगता है. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंस्टेंस, कोई अगर शादी करने के बाद बोला मैं तो ड्रंक था, ठीक है, सॉरी. सो नाउ द आइडिया इज, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज कॉलम्स फॉर विटनेस, यू नो ना, और मैरिज रजिस्ट्रार के सामने होता है. And most of the contracts are taking place legally. तो वो प्रूफ करना आसान है वैसे. अब ऑफ कोर्स व्हेन यू आर राइट आउट ऑफ स्कूल यू हैव रेस्ट्रिक्टेड इमेजिनेशन एज टू हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड एंड वॉट. सो वी विल मेक इट एज मच प्रैक्टिकल एज पॉसिबल सो दैट इमेजिनेशन ओपन्स अप. ओके, ऑल राइट. नाउ द थर्ड वन, द थर्ड वन इज इनसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट पर्सन. Now, who is an insolvent person? Yeah, I'll tell you.
इंसॉल्वेंट पर्सन का और एक नाम बहुत लोग सुन लिए, इसीलिए बहुत लोग मेरे को बोला सही बोला, दे सेड बैंकरप्ट. द वर्ड इंसॉल्वेंट इज वेरी सिनोनिमस विथ और सिनोनिमस टू दिस वर्ड कॉल्ड बैंकरप्ट. नाउ हु इज अ बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट पर्सन, लेट अस अंडरस्टैंड. समझते हैं कौन इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट है. ओके, हम लोग का एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज. ये क्लास 11 का पहला अक्षर हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स का क्लास में. अकाउंट्स क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस, हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन वी गो ऑन टू बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन विच स्टेट्स दैट एवरी एसेट विल बी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ए इज इक्वल टू एल प्लस सी. येस और नो? दैट्स द बेसिक व्हाई यू लव डूइंग अकाउंट्स. ओके, नाउ आफ्टर दैट कभी कभार अगर मेरा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का पल्ला भारी हो गया, यानी कि लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इज मोर देन योर एसेट्स, देन विल यू बी एबल टू रीपे योर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल? नो. इन सच अ सिचुएशन, एट सच अ सिचुएशन यू विल बी अनएबल टू रीपे योर डेट्स. So when you lose your power to repay your debts, when you do not have your sufficient assets to pay off your debts, in such a situation, we call you an insolvent. We call you an insolvent. And we don't call, मतलब हम लोग बोलने से नहीं होगा, court. The court में application file किया जाता है bankruptcy का. कोई आदमी खुद जाके बोल सकता है मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरा दिवाला निकल गया. दिवाला बोला जाता है हिंदी में, दिवाली नहीं, ठीक है, दिवाला. एंड कोई खुद जाके अगर खुद बोले कि सेल्फ कोर्ट में वॉक इन करके बोले कि आई वांट टू फाइल फॉर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी, देन कोर्ट विल स्टार्ट अ केस एंड डू इन्वेस्टिगेशन एंड सी वेदर ही इज रियली इंसॉल्वेंट एंड डिक्लेयर हिम टू बी इंसॉल्वेंट. Otherwise, the other procedure is someone else, third party will go to court and sue insolvency against you. वो third party का क्या interest है? वो तुम्हारा lender है. उसको पैसा नहीं मिलना है बहुत सालों से. हाँ है ना? Lender का मतलब creditors, ठीक है? Bank, कोई भी, जो भी होगा, जिसको interest है तुम्हारा assets में. So these are the process, or this is the process how a person is declared insolvent by the court. And a person can be insolvent only on declaration by the court through an adjudication order. So this insolvency is also a court procedure and a legal procedure. Okay, there's a new act in India in regard to insolvency, which is known as Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Which has become a part of CA final law. Final में पढ़ा था in IBC, हम लोग short में बोलते हैं IBC 2016 का मतलब है Insolvency and Bankruptcy Code 2016, जो practice में भी बहुत लगता है CA लोग को अभी. CAs are doing very good in this act, better than lawyers. Okay, so this is the idea on insolvent. सर, इंसॉल्वेंट व्यक्ति को हक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का? अच्छा बोलो, इंसॉल्वेंट व्यक्ति अपना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन संभाल नहीं पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से फ्यूचर ऑब्लिगेशन कैसे संभालेगा? हाँ है ना? मेरा बात समझ में आ रहा है ना? तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति को क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने दिया जाए या ना दिया जाए? ना दिया जाए. तो कानून बोल रहे, देखो इंसॉल्वेंट तुम खुद ही बोल रहे हो अपने आप को, या तुमको एक बार डिक्लेयर कर दिया गया तो तुमको ये पावर तुमसे छीन लिया जा रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाओ. बट एक बार एक इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज मतलब उसका जितना भी एसेट्स था वो बेच के उसका जितना भी लाइबिलिटीज था टू द एक्सटेंट पे ऑफ हो गया, उसके बाद से तो वो जीरो हो गया. उसके बाद से क्या डिस्चार्ज होने के बाद क्या वापस वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएगा? हाँ. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट इज इनकेपेबल, बट अ डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट विल बी वंस अगेन केपेबल, वापस जीना शुरू करेगा. ओके, तो यही है. और सॉल्वेंट व्यक्ति तो ऐसे ही कर पाएगा. सो कॉम्पिटेंट इज सॉल्वेंट, इनकॉम्पिटेंट इज इनसॉल्वेंट. क्लियर है ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? ओके, लास्ट थ्री कॉम्पिटेंसीज एंड इनकॉम्पिटेंसीज. ओके, आई विल हैव टू कीप इट टिल हियर. लास्ट थ्री जो कॉम्पिटेंसीज एंड इनकॉम्पिटेंसीज है वो हम लोग मंडे को करेंगे. मंडेस क्लास विल बी अ फुल फ्लेज्ड क्लास विद बुक्स. यहाँ तक जितना मैं पढ़ाया आप लोग किताब में देख के आओ.
ठीक है. सो प्लीज डू टिल हियर. आई विल वंस अगेन रिकैप एंड देन लीव यू फॉर द डे. टुडे वी हैड स्टार्टेड द क्लास बाय द डेफिनेशन विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स? अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय. वेरी गुड. सेक्शन 2H. देन वी डिड अग्रीमेंट्स. फिर क्या है? आई सेड सेक्शन 2E defines agreements as promises or every set of promises which forms consideration for each other. Okay. Then I asked, what is a promise? I said, every offer when accepted becomes a promise. Section 2B. I did not mention section 2B. Okay. Now, after that, what did I do? I explained to you legal enforceability kya hota hai. कब एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्स हो सकता है या लीगली एनफोर्स हो सकता है. ऑन दैट आई टोल्ड यू लीगल ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड आउट ऑफ और क्रिएट्स विच ऑब्लिगेशन. सॉरी, लीगल एनफोर्सिबिलिटी. थ्रू लीगल एनफोर्सिबिलिटी विच ऑब्लिगेशन गेट्स क्रिएटेड? द लीगल ऑब्लिगेशन, नॉट सोशल और मॉरल, बट लीगल ऑब्लिगेशन. देन आई सेड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ a valid contract. I started this topic, which is a huge topic. Essential elements of a valid contract mein I will do 8 points, and usme se pehla 3 point hum log shuru ki. First was intention to create legal relation, where we understood the case law Balfour versus Balfour. Then I taught you what lawful object and lawful consideration, and the third item which we are doing, which is still on the verge of getting finished, is competency of the parties, which is, you know, which has got 6 points, out of which we have covered major, minor, we have covered solvent, insolvent, and we have covered sound and unsound mind. Okay? Doubt wale log reh jao, baki log can leave. Thank you for attending. Please study till here from your institute's material or online. Institute ka material bhi nahi mila to online website se, isiliye website mein dikha raha hu. So that you have multiple resources. Okay. And whenever you get the book, you can study. Yeah. Thanks.